हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किया हुआ है, क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक आपने एक चीज़ नोट की, मैंने जितनी भी बॉडीज ली उनमें क्या किया, फेयर है, फेयर का मास कहाँ पर है, उसके सेंटर पे, पॉइंट मास ले रहा हूँ मैं, उसकी शेप को तो मैं ले ही नहीं रहा। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मैंने लिया ही नहीं, बस का स्फेयर है उसका मास सेंटर पे, एक रॉड है उसका मास सेंटर पे। रियलिटी में थोड़ा ना होता है ऐसा, मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होती है। कैसे होती है, या तो लेंथ वाइज, या एरिया वाइज, या वॉल्यूम वाइज। हमने वर्क पार में चेन का क्वेश्चन किया था एक, याद करो, सेंटर ऑफ मास के साथ मैंने 40 मिनट लगाए थे इसके ऊपर, वो 40 मिनट की इन्वेस्टमेंट, ये देखो टाइम काम आ रही है। अब इनको समझाने की जरूरत नहीं है कि मास तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। तो इसमें थिन रॉड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने बताया था थिन रॉड में हमेशा मास कैसे लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ये बताया था मैंने। और जब मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डेंसिटी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। और इसका मतलब क्या होता है, कितना मास है और कितनी लेंथ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। फिर मैंने बताया था अगर डिस्क लेनी है, डिस्क या शीट लेनी है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी एरिया। तो इसमें हम जो डेंसिटी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, और सिंबल क्या लेते हैं, सिग्मा। तो लैम्डा का मतलब डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है, यानी मास पर यूनिट लेंथ है। सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया है, तो कितना मास है, एम, कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा क्या होगा, मास अपॉन एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसी अगर सॉलिड स्फीयर है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वॉल्यूम वाइज। ये नॉर्मल डेंसिटी है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, तो इसको डेंसिटी बोलते हैं या मास, वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक?